हेलो दोस्तों, मैं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डर्स एंड सोलर सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है नेट मीटरिंग क्या होता है और इसकी वर्किंग कैसे होती है सोलर पावर प्लांट में, और नेट मीटरिंग की एसएलडी को कैसे बनाया जाता है। एसएलडी का मतलब होता है सिंगल लाइन डायग्राम, मीन्स किसी भी सोलर पावर प्लांट में जो जो इक्विपमेंट लगे होते हैं उनको स्केच करके दिखाना दर्शाना ही एसएलडी कहलाता है, मीन्स सिंगल लाइन डायग्राम। मतलब जो कंपोनेंट सोलर पावर प्लांट में लगे हुए हैं उनका स्केमेटिक डायग्राम बनाना ही एसएलडी कहलाता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है नेट मीटरिंग, इट्स वर्किंग इन सोलर पावर प्लांट और इसकी एसएलडी, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको डेफिनेटली मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको ये 100% समझ में आ जाएगा कि नेट मीटरिंग होती क्या है। तो आइए चलते हैं। नेट मीटरिंग का मतलब होता है दोस्तों, नेट का मतलब होता है जैसे कि हमारे घर में बिजली आती है और एक मीटर लगा होता है हमारे घरों के बाहर, आप लोगों ने देखा होगा सभी के घरों में मीटर होता है। तो वो मीटर जो लगा होता है एक्चुअली दोस्तों, तो वो मीटर होता है नॉर्मल एनर्जी मीटर। मतलब वो क्या करता है, ग्रिड से या डिस्कॉम से केवल बिजली को लेता है, यानी इम्पोर्ट करता है। उसको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में ही वर्क करता है। तो वो नॉर्मल मीटर जो होता है वो एनर्जी मीटर होता है, वो केवल एनर्जी को इंपोर्ट करता है। आपके घर में जो लोड है एसी, कूलर, फ्रिज, फैन, वो एनर्जी को लेकर के ये रन करते हैं, आप इन लोड को चलाते हो अपने घरों पे। तो ये यूनिडायरेक्शनल मीटर का काम केवल होता है एनर्जी को केवल लेना, ठीक है। तो नेट मीटर का काम क्या होता है दोस्तों, नेट मीटर होता है जितना ग्रिड से लिया और जितना ग्रिड को दिया, मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड नेट मीटर, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सपोज हमारे पास सबसे पहला जो केस है वो वन है, केस नंबर वन है। केस नंबर वन में हम देखेंगे कि हमारे पास कोई सोलर पावर प्लांट नहीं है। तो मेरा ये ग्रिड है, ये मेरा घर है, कोई होम है मेरा, ठीक है। मेरे घर के बाहर एक मीटर लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी मीटर। ये केवल पावर को इम्पोर्ट करता है ग्रिड से, ठीक है। इन पावर को क्या करता है, ग्रिड से इम्पोर्ट करता है, मीन्स लेता है। इसको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल मीटर, केवल ये पावर को ग्रिड से लेता है, इसलिए इसका नाम है यूनिडायरेक्शनल। अब मेरे घर में कुछ लोड लगे हैं, एप्लायंसेस जो चल रहे हैं, एसी, कूलर, फ्रिज, फैन, टीवी, तो ये सब जो हमारे एप्लायंसेस हैं, लोड है जो ये चल रहे हैं, ये यूनिट की खपत करते हैं। तो मेरे घर में माना कि एक दिन में जो मेरी यूनिट की खपत है वो कितनी है, 15 यूनिट की है। मीन्स मैं ग्रिड से जो है 15 यूनिट डेली की खपत कर रहा हूँ इन लोड को चलाने के लिए। तो मेरा जो बिल आएगा पर डे का वो कितना आएगा, सपोज मानो मेरा जो बिजली का रेट है मेरे घर के पास, वो एक यूनिट का कितना रेट है मेरे यहाँ, एक यूनिट बिजली का जो रेट है वो 5 रुपए है। तो मैं 15 यूनिट खपत करता हूँ डेली का, तो 15 में 5 का गुणा कर दूंगा तो 15×5 75 रुपए। मतलब डेली का मेरा जो एक दिन का खपत है वो 75 रुपए का है, जब मैं सोलर पावर प्लांट नहीं लगाया हूँ, ठीक है। तो एक दिन में मैं 75 यूनिट खर्च कर रहा हूँ। अब केस टू में मानते हैं मेरे पास क्या है, एक सोलर पावर प्लांट है, सोलर प्लांट है। मान लेते हैं मेरे पास एक 3 किलोवाट का सोलर प्लांट है, कितना है 3 किलोवाट का। तो ठीक है, एक सोलर पावर प्लांट कर लेते हैं, ये मेरा होम है, ये मेरा ग्रिड है, ठीक है, ये मेरे लोड हैं एसी, फैन, कूलर, टीवी और फ्रिज। मतलब ये मेरे लोड हैं और ये मेरा एक सोलर प्लांट है, ठीक है। सोलर प्लांट की जो बिजली है वो मैं घर में दूंगा, ठीक है। ये कितने किलोवाट का सोलर पावर प्लांट है मेरा, 3 किलोवाट का। तो देखिए, केस वन में क्या था कि मेरे पास सोलर पावर प्लांट नहीं था, नॉर्मल एक एनर्जी मीटर लगा था और मेरे घर के जो लोड है वो चल रहे थे और लोड चल रहे थे और जितनी लोड जो है, जितना यूनिट खर्च कर रहे थे वो इस एनर्जी मीटर में रिकॉर्ड हो रहा था। तो डेली का मेरा एक दिन का जो खपत है यूनिट का कितना है, 15 यूनिट का है, और 5 रुपए का अगर एक यूनिट का रेट मैं मानूं गवर्नमेंट का, डिस्कॉम का, तो 75 रुपए में डेली का दे रहा था। अब केस टू में मैं क्या मान रहा हूं कि मैंने एक सोलर पावर प्लांट लगवा लिया है 3 किलोवाट का। तो मैंने क्या कर दिया, सोलर पावर प्लांट एक लगवा लिया 3 किलोवाट का और घर के कनेक्शन में मैंने इसको जोड़ दिया है। तो दोस्तों, जब आप सोलर पावर प्लांट लगवाते हैं तो क्या होता है, डिस्कॉम ग्रिड वाले आते हैं और आपके इस नॉर्मल एनर्जी मीटर को
हटा देते हैं और एक घर के बाहर जो है इस एनर्जी मीटर की जगह एक दूसरा नया मीटर लगाते हैं, उसका उसको हम कहते हैं नेट मीटर। तो नेट मीटर का जो काम होता है दोस्तों, ग्रिड है, नेट मीटर का जो काम होता है दोस्तों वो ग्रिड से बिजली लेता भी है और ग्रिड को बिजली एक्सपोर्ट भी करता है। मीन्स इसका काम है इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना। तो ये नेट मीटर का काम यही है कि इंपोर्ट भी करता है ये ग्रिड से और ग्रिड को एक्सपोर्ट भी करता है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं नेट मीटर। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि ये होता क्या, काम कैसे करता है। इसको हम नेट मीटर को हम बाई डायरेक्शनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल, क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर सकता है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल मीटर भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, डेली की मैं 15 यूनिट खपत कर रहा था अपने लोड को चलाने के लिए, तो एक दिन में 15 यूनिट KWH की मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, खपत कर रहा हूं लोड को रन करने के लिए। ठीक है, अब मैंने 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा लिया है, 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगवा लिया है। तो चूंकि हमको पता है कि 1 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट होता है वो 4 यूनिट बनाता है, मींस 4 KWH 4 यूनिट बनाता है 1 किलोवाट का प्लांट। तो 3 किलोवाट का प्लांट कितना यूनिट बनाएगा, आप मल्टी कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 किलोवाट गुणे 4 बराबर 12 यूनिट, यानी 12 KWH यूनिट बनाएगा एक दिन में। ठीक है जी, मतलब मैंने जो सोलर पावर प्लांट 3 किलोवाट का लगवाया वो एक दिन में कितने यूनिट बना रहा है, 12 यूनिट बना रहा है। अब आप देखिए थोड़ा, आप अपने लोड को चलाने के लिए एक दिन में 15 यूनिट की बिजली खपत कर रहे हैं और सोलर आपका जो 3 किलोवाट का प्लांट है वो कितना यूनिट बना रहा है, 12 यूनिट बना रहा है। मतलब केस वन में आप 15 यूनिट ग्रिड से ले रहे थे और 75 रुपए पे कर रहे थे, केस टू में आपने सोलर प्लांट लगवाया और एक दिन की आपकी खपत वही है, मान लो 15 यूनिट की ही है, तो आपने अब आपकी 15 यूनिट की खपत है, आपने सोलर पावर प्लांट से बिजली बना ली 12 यूनिट की। तो देखिए दोस्तों क्या होगा कि 15 यूनिट की डेली की जो खपत थी और आपने 12 यूनिट सोलर से बना ली तो कितना हो गया, 3 यूनिट, यानी 3 KWH। मतलब कि 15 यूनिट की जो खपत थी आपने सोलर से बना ली 12 यूनिट, तो 3 यूनिट केवल आपको ग्रिड से लेना पड़ेगा। ग्रिड से आपको कितना लेना पड़ेगा, केवल इंपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट आप ग्रिड से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको जो डेली का जो आप पैसा देंगे, आप 5 का इंटू कर दीजिए, 5 × 15 केवल 15 रुपए देंगे। मतलब जहां आप जब सोलर आपके पास नहीं था, जहां आप 75 रुपए पे कर रहे थे एक दिन का, अब सोलर पावर प्लांट लगवाने के बाद आप 3 यूनिट का केवल पे करेंगे 15 रुपए। ठीक है, क्योंकि आपकी 12 यूनिट जो है वो सोलर से बन गई है और 15 यूनिट की खपत है, तो 3 यूनिट का आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो एक यूनिट का चार्ज का रेट है 5 रुपए, तो 5 × 15 रुपए आपका ये रेट हो गया। तो दोस्तों ये सेकेंड केस में आपको मैंने समझाया कि कैसे सोलर प्लांट लगवाने के बाद आपका जो बिजली का बिल की खपत है और उसका जो रेट है वो कैसे डाउन हो गया। मीन्स 75 रुपया पहले दे रहे थे जब सोलर नहीं था, सोलर लगाने के बाद आपको केवल 3 यूनिट का ही बिजली बिल देना पड़ रहा है, मतलब 15 रुपये आपको पे करना पड़ रहा है। अब देखिए केस थ्री, अब आपको मैं केस थ्री में समझाता हूँ कि केस थ्री में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो सपोज करो, मानते हैं मेरे पास केस थ्री में क्या हो रहा है, एक दिन की आपकी खपत कितनी थी, वन डे की जो आपकी खपत थी वो आपकी 15 यूनिट की थी, ओके, और वन डे में आपका जो सोलर पावर प्लांट है 3 किलोवाट का वो कितनी यूनिट बना रहा है आपका, 12 KWH, यानी आपकी खपत है एक दिन की 15 यूनिट की, सोलर पावर प्लांट आपकी 12 यूनिट बना रहा है। सपोज मान लेते हैं, लेट्स सी, मान लेते हैं आप किसी दिन जो है घर पे नहीं है, आप संडे पड़ा, आप कहीं चले गए हैं, तो संडे के दिन क्या होगा, आपका जो लोड होगा पूरा वो क्या होगा, बंद होगा, ऑफ होगा आपका सारा लोड जो ये चल रहा था, 15 यूनिट खपत कर रहे थे आप, तो आप संडे को सपोज आप बाहर चले गए हैं तो आपका लोड उस दिन नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपका लोड पूरा वो बंद होगा, मतलब 15 यूनिट जो आप खपत कर रहे थे अब 15 यूनिट खपत आप नहीं करेंगे, बट जो आपका 3 किलोवाट का सोलर प्लांट है वो आपका 12 यूनिट बना रहा है अभी भी। तो होगा क्या दोस्तों, ये 12 यूनिट जब आपका लोड संडे के दिन आप बाहर चले गए हैं, आपका लोड यूज नहीं हो रहा है,
तो जहां आप 15 यूनिट पहले खपत कर रहे थे, अब आप 0 यूनिट खपत करेंगे। कितनी? 0 यूनिट, क्योंकि कोई लोड नहीं है, लोड बंद है, तो 0 यूनिट खपत करेंगे। बट 16 प्लांट आपका जो 3 किलोवाट का लगा हुआ है वो 12 यूनिट बना करके तो दे रहा है। तो होगा क्या दोस्तों इस केस में? इस केस में होगा क्या? इस केस में ये होगा कि आपका लोड 0 है, आपने 12 यूनिट बनाई, तो आप ग्रिड को यहां 16 पावर प्लांट से ग्रिड को 12 यूनिट क्या कर देंगे दोस्तों? दे देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपकी जो ये बनी हुई सोलर की जो संडे में आपने यूनिट खपत नहीं की है, तो संडे की जो बनी हुई बिजली है सोलर से 12 यूनिट, वो आप क्या करेंगे इस नेट मीटर के थ्रू ग्रिड को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों नेट मीटर का यूज आप देख रहे हैं ना, इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो आप जो ये 12 यूनिट ग्रिड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं नेट मीटर के थ्रू, तो ये 12 यूनिट ग्रिड में आपकी जो है स्टोर हो जाएगी। मतलब आप कभी भी ये 12 यूनिट फिर ग्रिड से आप ले सकते हैं। सपोज यहां तक आपको समझ में आ गया। अब केस चौथा ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए आप एक दिन की जो खपत है वो 15 यूनिट की कर रहे थे, ठीक है जी। अभी आपने 12 यूनिट ग्रिड में दे दी है, उसके बाद की मैं बता रहा हूं एक और कंडीशन कि मान लो एक दिन में आप 15 यूनिट खपत कर रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या हुआ, किसी दिन मान लो मंडे के दिन, संडे के दिन आप बाहर थे, मंडे को आप वापस आए, तो मान लीजिए मंडे के दिन, संडे को आप बाहर गए थे हॉलीडेज में, उस दिन आपका लोड ऑफ था, मान लीजिए आप मंडे को वापस आए, ओके। तो मंडे को आपने अपने सारे लोड ऑन कर दिए और उस दिन आपने जो है कितनी यूनिट खपत कर ली, उस दिन मान लीजिए आपने करीब 30 यूनिट आपने खपत कर ली। मान लो कितना यूनिट मंडे को आपने यूज कर लिया, 30 यूनिट यूज कर ली। तो दोस्तों देखो अब आपने 30 यूनिट यूज तो कर लिया है, तो देखिए इसका बिजली में एडजस्टमेंट कैसे होगा आपके बिल में। सोलर पावर प्लांट जो आपका 3 किलोवाट का था वो आपका 12 यूनिट बना रहा था, ओके। तो मंडे के दिन आपका जो सोलर पावर प्लांट है वो 12 यूनिट तो बना देगा, बट ये हो गया आपका मंडे वाला दिन, ओके, मंडे वाला दिन। बट जो संडे में आपने बिजली बनाई थी 12 यूनिट की, 12 kWh की, और ग्रिड को एक्सपोर्ट की थी, वो आपकी स्टोर है यहां, तो मंडे और संडे दोनों का मिला के कितना हो गया दोस्तों? 12 दूनी 24 यूनिट। टोटल कितनी हो गई सोलर की यूनिट? 24 यूनिट हो गई। तो आपने क्या किया दोस्तों, मंडे को 30 यूनिट की खपत की, मतलब आपने अपना लोड चलाया और आपके 30 यूनिट खर्च हो गए। तो अब क्या होगा, जो संडे को आपने 12 यूनिट एक्सपोर्ट की थी ग्रिड से वो 12 यूनिट, प्लस जो मंडे को आपने सोलर पावर प्लांट से 12 यूनिट और बनाई, वो टोटल आपके पास कितनी हो गई? 24 यूनिट। तो आपको ग्रिड से अब आपका लोड कितना चला? 30 यूनिट चला। आपने 30 यूनिट खर्च की है, तो क्या होगा, 30 यूनिट जो आपने खर्च की है उसमें से सोलर की यूनिट घटा दीजिए 24 यूनिट को, तो कितना बचा? 30 में से 24 गया 6 यूनिट। मतलब आपको केवल ग्रिड से जो आप लेंगे वो केवल कितनी लेंगे? 6 यूनिट। मतलब आपने ग्रिड से केवल कितनी ली है यूनिट? अब 6 यूनिट ली है। तो 6 यूनिट का पैसा कितना होगा दोस्तों? 5 का गुणा कर दो, 6×5=30 रुपए। तो इस तरीके से दोस्तों सोलर में नेट मीटरिंग का जो है यूज किया जाता है। नेट मीटर का जो यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सोलर में नेट मीटरिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस तरीके से मैंने जो आपको समझाया केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, ये चारों केसेस आप जो है बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा और आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि सोलर पावर प्लांट की SLD, मतलब सोलर पावर प्लांट की SLD कैसे बनाते हैं। तो आपका सोलर प्लांट जो है उसकी SLD बनाना है मुझे। SLD का मतलब होता है दोस्तों सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। मतलब सारे कंपोनेंट को आपको शो करना है कनेक्शन वाइज कि कैसे कैसे सीरियल वाइज कनेक्शन होता है। तो मानते हैं दोस्तों मेरा ये पैनल है, ये क्या है मेरा पैनल है जो कि DC पावर देता है। पैनल से DC करंट निकलता है और उसके बाद मेरी जो DC पावर हो जाती है DC DB बॉक्स में, यानी डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाती है। यहां पे इस बॉक्स के अंदर ये बॉक्स जो होता है केवल DC साइड का प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इस बॉक्स के अंदर फ्यूज लगे होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हाई करंट या शॉर्ट करंट होने से।
और डीसी एसपीडीज लगी होती हैं, जो कि किसी भी प्रकार के लाइटनिंग अगर होती है तो जो सर जाता है उससे प्रोटेक्ट करता है आपके प्लांट को। डीसी डीबी के बाद हमारा इन्वर्टर लगा होता है दोस्तों। इन्वर्टर, इन्वर्टर का काम होता है डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करना। मीन्स हमारे जो लोड होते हैं वो डायरेक्ट एसी लोड होते हैं, ठीक है। घरों में हम जो यूज करते हैं वो एसी लोड यूज करते हैं, तो क्या होगा कि पैनल से जो डीसी पावर आती है इन्वर्टर डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद मेरा जो कनेक्शन होता है वो जाता है एसी डीबी में। एसी डीबी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसके अंदर भी दोस्तों ये एसी साइड का, जैसे डीसी साइड में जो प्रोटेक्शन होता है वो कहां होता है, डीसी डीबी में, ऐसे ही दोस्तों एसी साइड में एसी डीबी में प्रोटेक्शन डिवाइस यूज की जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक एसी एसपीडी यूज की जाती है जो कि सर्ज से प्रोटेक्ट करता है, और एमसीबी या एमसीसीबी यूज की जाती है जो कि आइसोलेट करने के लिए, सर्किट को बंद क्लोज करने के लिए, या हाई करंट आया तो आपका एमसीबी जो है ट्रिप हो जाएगी। तो ये प्रोटेक्शन के पर्पज से यूज की जाती है। एसी डीबी के बाद आपका जो कनेक्शन है वो जाता है दोस्तों क्लाइंट के एलटी पैनल में। कहां जाता है, क्लाइंट के एलटी पैनल में। क्लाइंट के एलटी पैनल से दोस्तों क्या होते हैं, क्लाइंट के एलटी पैनल से आपके लोड कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, आपके लोड कनेक्ट होते हैं, वही आपका एसी, फैन, टीवी, कूलर, फ्रिज, ठीक है। आपकी ये अप्लायंसेस जो है वो इस एलटी पैनल से दोस्तों कनेक्ट होते हैं जो कि रन करते हैं, है ना। और एलटी पैनल के बाद दोस्तों यहां पे आपका नेट मीटर लग जाता है हमारा, ठीक है। नेट मीटर का काम होता है इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना, है ना। मतलब ग्रिड से बिजली को लेना लोड को चलाने के लिए, और ग्रिड को एक्सेस पावर, मतलब अगर हमारे पास सोलर की जो एक्सेस पावर है बच गई है तो वो एक्सेस पावर को क्या करता है, ये नेट मीटर एक्सपोर्ट कर देता है ग्रिड को। और ये मेरा क्या है दोस्तों, ग्रिड है। तो इस तरीके से ये एसएलडी होती है, सिंगल लाइन डायग्राम। मतलब यहाँ पे पैनल्स होते हैं, डीसी डीबी बॉक्स होता है, उसके बाद इन्वर्टर होता है, फिर एसी डीबी होता है। ऐसे करके मेरी पावर जो है रूट होते हुए एलटी पैनल में आती है, डीसी पावर को इन्वर्टर एसी पावर में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और एलटी पैनल से मेरे लोड कनेक्ट होते हैं, और एलटी पैनल के पास ही मेरा नेट मीटर लग जाता है, और उसके बाद ये पावर ग्रिड में चली आती है, और ग्रिड से हम पावर को इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं नेट मीटर के थ्रू। तो इस तरीके से दोस्तों ये नेट मीटर की वर्किंग, नेट मीटर होता क्या है, नेट मीटर की वर्किंग, मतलब नेट मीटर किस तरीके से काम करता है सोलर पावर प्लांट में, और नेट मीटर के मैंने चार केसेस भी आपको समझा दिए कि नेट मीटर जो है वो किस किस स्टेज में कैसे कैसे काम करता है, और नेट मीटर की एसएलडी दोस्तों सिंगल लाइन डायग्राम भी मैंने आपको समझा दिया है कि नेट मीटर का कनेक्शन कहां पे किया जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।